छाती से लेकर और जंघा तक, यहां जितने भी रोग आप जानते हैं वो सब पित्त के रोग, गैस बनना, एसिडिटी होना, हाइपर एसिडिटी होना, अल्सर होना, पेप्टिक अल्सर होना, खाते समय मुंह में पानी आना या मुंह का पानी बिल्कुल सूख जाना, बार बार डकार आना, खट्टी डकारें आना, हिचकियां आना, ये सब पित्त की समस्याएं हैं, पित्त के रोग। किडनी खराब होना, लीवर खराब होना, किडनी में स्टोन होना, लीवर में सूजन होना, ये सब पित्त की समस्याएं। और खराब रोगों के नाम बताऊं, जॉन्डिस होना, पीलिया होना, हेपेटाइटिस होना, ये सब पित्त के रोग हैं, पित्त की समस्या। कई तरह के बुखार पित्त की समस्या। अब आपको जिंदगी भर एक ही चीज ध्यान रखनी है कि वात पित्त कफ तीनों संतुलित रहे आपके लिए, तो आप रोगी नहीं हो सकते। तो आपको करना क्या है, वात पित्त कफ तीनों को संतुलन रखने के लिए महर्षि भानुभट्ट के कुछ सूत्र याद रखने, और याद रख के उनको जीवन में मानने के। पहला सूत्र है उनका, खाना खाने के बाद कभी भी पानी नहीं पीना। ये पहला सूत्र, खाना खाने के बाद कभी भी पानी नहीं पीना। सूत्र को उन्होंने लिखा है जिस तरह से वो मैं बताता हूं, ये मैंने भाषांतर करके बोल दिया आपको, खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना। महर्षि भानुभट्ट ने ऐसे नहीं लिखा, उन्होंने लिखा है भोजनांते विषम वायु, ऐसे लिखा भोजनांते माने भोजन अंते, भोजन अंते माने भोजन के अंत में, विषम, विषम माने विष के जैसा, वारी, वारी माने पानी, भोजन के अंत में पानी विष के जैसा है। ये है सूत्र, मतलब भोजन के अंत में पानी ना पिए, मैंने सरल कर दिया उसको। अब क्यों ना पिए, कारण उसका एक है कि हम जब खाना खाते हैं, खाना सारा पेट में इकट्ठा होता है, एक स्थान है उसको जठर कहते हैं, जठर स्थान के पानी जब आता है तो भगवान अपने आप अग्नि जलती है, उसको जठर अग्नि कहते हैं। खाना खाते ही पेट में अग्नि है, वो जठर अग्नि है, अग्नि जलती है तो खाना पचता है, अग्नि नहीं जलती तो खाना नहीं पचता। तो आपने खाना खा लिया, पेट में अग्नि जली, अग्नि ने जैसे ही जलना शुरू किया आपने पानी पी लिया और खूब ठंडा पानी पी लिया, चिल्ड वाटर, फ्रिज से निकाल के बोतल गटक ली। अब क्या होगा, अग्नि बुझ गई, अग्नि बुझ गई तो खाना नहीं बचेगा, तो खाना सड़ेगा, और सड़ा हुआ खाना 103 बीमारियां पैदा करेगा। सबसे ज्यादा बीमारियां इसी में आती हैं, इसलिए भागवती जी ने पहला सूत्र ये लिखा, भोजनांते विषम वायु, खाने के बाद पानी नहीं पीना। दूसरा नियम है, पानी जब भी पिए घूंट भर के पिए, सिप करके पिए, जैसे चाय पीते हैं, जैसे कॉफी पीते हैं, गर्म घूंट पीते हैं, ऐसे पानी पीते हैं, ऐसे कभी भी पानी ना पिए, गिलास लगाया और लगातार पिया, ये गलत तरीका है। पानी पीने का तरीका है, एक घूंट पिया, थोड़ी देर रुके, एक घूंट पिया, फिर रुके, फिर पिया, फिर रुके, फिर ऐसे पानी पीते हैं। इसका क्या लाभ है, मुंह में आप जानते हैं लार बनती है, ये लार जो है ना पेट के तेजाब को शांत रखते हैं, पेट का जो तेजाब है ना वो एसिडिक है विज्ञान की भाषा, और मुंह की लार जो है वो एल्कलाइन है, क्षारीय है। तो ये क्षार है, यहाँ अम्ल है, अम्ल और क्षार मिले तो एक दूसरे को न्यूट्रल करते हैं। तो मुंह की लार बार बार पेट में जाए ताकि पेट का तेजाब शांत रहे, इसके लिए कहा गया घूंट घूंट पानी पीना, थोड़ा थोड़ा करके पानी पीना। तीसरा नियम है, सवेरे सोकर उठे सबसे पहले पानी पिए। वाम स्वामी जी का आपने सुना होगा व्याख्यान, तो उषापान की बात वो करते हैं, उषापान का मतलब यही है उठते ही पानी पीना। हालांकि उषापान का सही अर्थ है सवेरे 4:30 बजे उठकर पानी पीना, क्योंकि उषा का वही समय है। अब दिल्ली वासियों के लिए मैं ये नहीं कह सकता कि वो सवेरे 4:30 बजे उठें, क्योंकि उनका 4:30 बजे उठना तब संभव है जब रात को 8 बजे सो जाए। 8 बजे दिल्ली में सोना तो स्वर्ग की बात है, कल्पना की बात है, संभव ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूं जब उठें तो पहले पानी पिए, आपकी जब दिन हो जाए, जब सवेरा हो जाए उठते ही पानी पिए, कम से कम 3 गिलास बिना प्यास के, घूंट घूंट भर के। कोई कहेगा हमें प्यास नहीं लगती तो भी पीना ही है, ये घूंट घूंट भर के। इस पानी का फायदा, सबसे बड़ा फायदा इसका ये है, रात को आप सो गए, सोने के बाद मुंह में लार बनी वो जमा है, घूंट घूंट पानी पी लेंगे, सब लार नीचे चली जाएंगे। दूसरा फायदा, उठते ही आप पानी पियेंगे तो पानी सारा बड़ी आंत में जाएगा, बड़ी आंत में मल फंसा रहता है लार्ज इंटेस्टाइन में, तो मल को बाहर निकालेगा। जैसे ही पानी मल को निकालना शुरू करेगा प्रेशर एकदम बनेगा आपको, आप तुरंत टॉयलेट में जाएंगे और 5 मिनट में फ्रेश होकर वापस आएंगे।
तो हमको मैं जो समझाना चाहता हूँ वो ये कि शरीर ठंडा मत होने दीजिए, इसको गर्म रखिए, तो ठंडा शरीर ना हो इसके लिए ठंडा पानी मत पीजिए, नहीं तो क्या होगा, ठंडा पानी बार बार पीते रहेंगे शरीर में तकलीफें शुरू होंगी। उसकी सबसे बड़ी तकलीफ क्या होती है कि जब बहुत ठंडा पानी आप पी लेते हैं तो शरीर का जो पेट है वो पानी को गर्म करता है। पानी को गर्म करने में पेट को एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, और वो ऊर्जा ब्लड में से ही आ सकती है, खून में से आ सकती है, और खून को फिर सारे शरीर से पेट की तरफ दौड़ना पड़ेगा, तब पानी गर्म होगा। शरीर का सारा खून पेट में जाने लगे तो बाकी अंगों को खून की कमी पड़ जाएगी, और वो खून की कमी हमेशा के लिए कोई डैमेज कर जाएगी। इसलिए आयुर्वेद कहता है कभी भी ठंडा पानी गलती से भी ना हो। चार नियम, पांचवा नियम है हमेशा खाना खाएं तो चबा चबा कर खाएं, इतना चबाएं जितने आपके दांत, दांत आपके 32 हैं तो 32 बार चबाएं ताकि अच्छे से लार मिलकर अंदर जाए और अच्छे से खाना पचे। इसके बाद छठा नियम है कि खाना जब भी खाएं तो जमीन पर बैठ के खाएं। जमीन पर बैठने से क्या होता है, पृथ्वी का गुरुत्व बल हमारे पेट पर केंद्रित है, पेट की नाभि पर गुरुत्वाकर्षण होने से नाभि चार्ज है, नाभि के पड़ोस में जठर है वो चार्ज है, जठर के चार्ज होने से अग्नि तेज होगी, खाना जल्दी पचेगा, इसलिए बैठने। उसके आगे का सातवां नियम है दोपहर को जब आप खाना खाएं तो आराम जरूर करें, कम से कम 48, क्योंकि दोपहर को खाना खाते ही हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर बढ़ता है। एक तो सूरज की धूप होती है दोपहर को और अंदर की गर्मी, दोनों मिलाकर ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बीपी बढ़ेगा तो आराम नहीं करना पड़ेगा, काम नहीं कर सकते, तो दोपहर का खाना खाते आराम करें। सबसे अच्छे आराम करने की मुद्रा होती है लेफ्ट साइड में लेटना, बाईं तरफ करवट लेके लेटना, इसको वामकुक्षी कहते हैं। ज्यादा नहीं लेटना, फिर मोटापा आता है, 48 मिनट तक लेटना तो अच्छा है, उसमें नींद आ जाए तो ले लेना, ज्यादा लेंगे नींद तो फिर मोटापा, इसलिए ध्यान इस तरह। इसके आगे का आठवां नियम है कि रात को खाना खाने के 2 घंटे तक आराम नहीं करना, 2 घंटे बाद नहीं करना, रात के खाने के बाद पैदल चलना बहुत जरूरी है 1000 का, उसके बाद कुछ और काम करके फिर आराम करें 2 घंटे के बाद, क्योंकि रात को ब्लड प्रेशर कम होता है और कम ब्लड प्रेशर में आराम करना खतरनाक है, ऊंचे ब्लड प्रेशर में हाई बीपी में काम करना खतरनाक है, लो बीपी में आराम करना खतरनाक है, तो इसलिए रात को 2 घंटे बाद आराम करें, दोपहर को तुरंत आराम करें। इसके बाद का नवा नियम है ना कि आप जब खाना खाएं तो 2 चीजों को ध्यान रखें, एक साथ ऐसी ना खाएं जो एक दूसरे के विरोध है, ठंडा गेहूं साथ में ना खाएं, दूध और दही साथ में ना खाएं, उड़द की दाल और दही साथ में ना खाएं, खट्टे फल और दूध साथ में ना लें, कटहल की सब्जी के साथ दूध ना खाएं, कच्ची प्याज खा रहे हैं तो दूध नहीं खाएं, दही में नमक डाल के ना खाएं, हमेशा दही में मीठी चीज डालें, ये आपको थोड़ा झटका लगेगा कि क्या बोल दिया, दही में नमक ना खाएं, क्योंकि रायता तो बिना नमक से बनता नहीं है। बात ऐसी है कि ये जो दही है ना ये जीवाणुओं का घर है, अगर आप लेंस लगा के देखेंगे तो दही में लाखों जीवाणु होते हैं, हम लोग अंग्रेजी में उनको लैक्टोबैसिलस कहते हैं, ये जीवाणु जीवित चाहिए पेट को, आप दही में एक चुटकी नमक डाल दीजिए सब जीवाणु एक मिनट में मर जाते हैं, और मर गए तो दही खाया वो बेकार, इसलिए जीवित जीवाणु दही के साथ आ जाए, तो कहा गया है कि दही बिना नमक होता या दही में पूरा डालें खाद डालें गुड़ डालें, तो पूरा खाद और गुड़ से जीवाणुओं की संख्या बहुत तेज बढ़ती है, घर में खाना बनाते समय कोई भी बर्तन ऐसा इस्तेमाल ना करें जो चारों तरफ से बने, और अच्छा खाना बनाने वाला बर्तन खुला हुआ और उसका हटा बर्तन को भी चलना पूरा बर्तन हो, क्यों बाहर की हवा खाने के लिए बंद हो सके अंदर को भी जरूरी है। माता जी ने कहा कि भोजन को पकाते समय सूर्य का प्रकाश या बदन का स्पर्श दोनों में से कोई एक चीज आवश्यक है, या तो भोजन करते समय सूर्य का प्रकाश नहीं तो पवन का स्पर्श हवा उसको खाए, अगर कभी संभव है तो बर्तन खुला हो, मतलब सीधा समझ रहे हैं आप जो कह रहे हैं प्रेशर कुकर का पानी ना, और प्रेशर कुकर पानी किसी के बनाने का नहीं, आपको लेकर बिना तो मोटे समय आपको सारी बात पता कर दिए आपको किसी को बेहतर बना दे, और जो बात करें बाहर की नहीं है तो बड़ी गंभीर बात है, प्रेशर कुकर का झटका बड़ा अच्छा है, आप जानते हैं प्रेशर कुकर के बहुत ही लोग पाते दिल्ली में आप दुनिया का सबसे बड़ा बर्तन है खाना बनाने के लिए और पकाने के लिए, मैं सबसे ज्यादा
दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।